हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं आपका रफ़ी सर, और आज मैं हटा दूंगा आपके मन से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को रटने का डर। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट इस गर्मा गर्म ट्रिक से। के नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने उसी से कनेक्ट किया है कि नाइट्रोजन 5 डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड भी बनाएंगे, जिसको मैं सीरियल नंबर से उसके अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूँ। तो ट्रिक का जो पहला पॉइंट है कि सीरियल नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये तो किसी को भी याद हो जाएगा, राइट? 1, 2, 3, 4, 5 ये सीरियल नंबर भी हो गया, और यही नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गए उसके ऑक्साइड में। नाउ नंबर ऑफ नाइट्रोजन को कैसे याद रखेंगे? तो डैट्स वेरी सिंपल। नंबर ऑफ नाइट्रोजन को याद रखने का तरीका है 2, 1, 2, 1, 2। ध्यान से देखो, 2, 1, 2, 1, 2, दैट्स वेरी इजी। नाउ नंबर ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए सिंपल, यहाँ से आप एक मैथ का बेसिक फार्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2। तो जैसे अगर मैं पहले वाले में निकालूं तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 2 हेयर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1 हेयर, डैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वी डोंट नो डैट इज x इंटू 2, सो हेयर x विल बी 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन मैं लिख दूंगा 1। नाउ नेक्स्ट, इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन नंबर ऑफ n इज 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और यहाँ पे आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 5। डैट्स वेरी इजी। तो देखो मैंने तीनों पार्ट को इजीली कैसे कनेक्ट कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 1, 2, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे। तो फाइनल फार्मूला आपके सामने आ गया है, क्योंकि नाइट्रोजन 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, N2O। नाउ नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ NO, दो नाइट्रोजन तीन ऑक्सीजन तो N2O3, वन नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन तो NO2, एंड टू नाइट्रोजन फाइव ऑक्सीजन तो N2O5। देखो मैंने किस तरीके से गर्मा गर्म सारे फार्मूला ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड को निकाल दिया हूँ। नाउ ये पैरा होगा या डायमैग्नेटिक होगा, तो इसके लिए एक सिंपल सा या ट्रिक यहाँ मैंने ट्रिक नंबर 2 में लिखा है। आप कैसे पहचानेंगे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक? डैट्स वेरी इजी। आप क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन का काउंट ऑड आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और इवन आ रहा है तो डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो नाइट्रोजन है तो 7 to the 14 टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना, ध्यान रहे, और ऑक्सीजन का 8 तो 22 इज इवन नंबर, तो इट विल बी डायमैग्नेटिक। नाउ इसमें काउंट करोगे तो एक नाइट्रोजन का 7 और एक ऑक्सीजन का 8, 15 ऑड नंबर, तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। नाउ N2O3 में अगर हम बात करें तो दो नाइट्रोजन है तो इवन नंबर, तीन ऑक्सीजन है तो भी इवन नंबर, इवन में इवन जोड़ेंगे तो इवन ही होगा, सो इट विल बी अगेन डायमैग्नेटिक। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑड नंबर, ऑक्सीजन का इवन नंबर, तो ऑड प्लस इवन ऑड ही होगा, तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। और सिमिलरली हियर इवन और इवन है तो डायमैग्नेटिक। तो देखो आपको कैसे इजी वे में पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक करेक्टर पहचानने आ गया। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, विथ सम एक्सेप्शन है वहाँ पे, वो जब MOT की ट्रिक दूंगा तो वहीं पे हम बात करेंगे। नाउ फेज, डैट मीन्स किस स्टेट में ये गैस आपको मिलेगी रूम टेम्परेचर पे। तो पहले वाले में आपको गैस फेज लिख देना है, उसके बाद एक ट्रेंड बना देना है, गैस से स्टार्ट करते हो, गैस सॉलिड इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। पहले वाले को हमने गैस रखा क्योंकि गैस से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर मैंने गैस लिखा, गैस सॉलिड। कलर में दो ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है उसमें दो ही ऑक्साइड कलरफुल हैं, एक ऑक्साइड प्लस 3 वाली और एक ऑक्साइड प्लस 4 वाली। तो प्लस 3 वाली का जो कलर है वो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ क्योंकि इसका कलर ब्लू कलर है, और जो प्लस 4 वाले ऑक्साइड हैं उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है,
रेडिश ब्राउन। बाकी को मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि आपको व्हाइट दिख रहा होगा, डेट मीन्स व्हाइट कलर यू कैन से और कलरलेस। तो ध्यान रहे नाइट्रोजन की सिर्फ दो ही ऑक्साइड कलरफुल हैं, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ब्लू कलर की हैं एंड प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली रेडिश ब्राउन है। नाउ नेचर, नेचर इन द सेंस कि ये एसिडिक होंगे नेचर में या फिर न्यूट्रल होंगे, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो बेसिक की तो बात हो नहीं सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि उसको कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए भी हमने एक सिंपल सा ट्रिक दिया है, ट्रिक नंबर 4 कि CNNO याद रखना है। यू नो CNN करके एक न्यू चैनल आता है, CNNO का मतलब क्या है कि हर को एक बार ऑक्सीजन से अटैच करना है, तो C को O के साथ किया तो क्या बन गया CO, इट विल बी न्यूट्रल ऑक्साइड। N को O के साथ अटैच किया तो क्या बन गया NO, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो ये NO है ये एक्चुअली में कैसा है, तो नेचर में न्यूट्रल है। यहाँ पे N का मतलब है न्यूट्रल, OS जहाँ पे भी लिखा उसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ यहाँ पे दो नाइट्रोजन आ रहे हैं उसके साथ ऑक्सीजन को कनेक्ट करोगे तो N2O, और ये भी क्या हो जाएंगे न्यूट्रल, तो आपका ये वाला भी न्यूट्रल होगा। नाउ रेस्ट जो है वो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो क्या होंगे एसिडिक, तो आपको लिख देना एसिडिक। तो न्यूट्रल जो ऑक्साइड हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में वो यही तीन भी हैं, और इसको कैसे याद रखेंगे उसका हमने सिंपल ट्रिक दिया है CNNO करके, एक बार C के साथ O, एक बार N के साथ O, चूँकि दो बार नाइट्रोजन है तो फिर दो नाइट्रोजन के साथ हो, ये तीन ऑक्साइड न्यूट्रल होती हैं, डैट मीन्स इट कांट रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। नाउ एक और ट्रिक हमने लिखा है पॉइंट नंबर 3 में कि इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं किस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड होगा या किस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं होगा, तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप क्या करेंगे उसके ऑक्साइड में नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लेंगे। अगर नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन का रेशियो 0.5 या उससे ग्रेटर आता है तो डेफिनेटली जो उसके ऑक्साइड के स्ट्रक्चर होंगे उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड होगा। जैसे उसको हम वेरीफाई करें तो पहले वाले में अगर बात करूँ मैं N2O में, तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, रेशियो विल बी 2 इज ग्रेटर देन 0.5, तो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड आएगा। सिमिलरली NO, तो NO में तो हम बात ही नहीं कर सकते, रीजन क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड अगर पूछ रहा है तो एटलीस्ट दो नाइट्रोजन होना चाहिए। अगर मैं N2O3 में बात करूँ तो 2/3 डैट इज 0.67 डैट इज ग्रेटर देन 0.5, तो अगेन इसके भी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे आप तो इसमें NN बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डायरेक्ट लिंकेज होंगे। NO2 में अगेन हम बात नहीं कर सकते, रीजन एक ही नाइट्रोजन है। N2O5 में अगर मैं बात करूँ तो 2/5 इज 0.4 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0.5, डैट्स वाई N2O5 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं होगा, एक्चुअली में नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन होगा, फिर ऑक्सीजन दूसरे नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा। तो इस टाइप के कोई क्वेश्चन पूछे जाए कि विच कंटेन NN बॉन्ड, तो आप सिंपल मेरे ट्रिक नंबर 3 से उसको ईजिली कर सकते हो। नाउ ये जो आपके पास ऑक्साइड हैं उसके नेमिंग के दो तरीके हैं, एक तो नेमिंग का तरीका यह है कि उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना है उसके अकॉर्डिंग आप बता दो। जैसे पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दूसरे वाले का नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तीसरे वाले में दो नाइट्रोजन तीन ऑक्सीजन है तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, चौथे वाले में नाइट्रोजन डाईऑक्साइड, पांचवे वाले में डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये वाला नेम वेरी सिंपल है कि कितने नाइट्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है उस तरीके से बताना। और एक और नेमिंग चलता है, डैट इज सबको आप नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे, बट लिखेंगे कैसे, तो जैसे मैं थर्ड वाले को लिख के बता रहा हूँ तो आप क्या लिखेंगे नाइट्रोजन, और जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको रोमन नंबरल में स्मॉल ब्रैकेट में दिखाना है और ऑक्साइड लिख देना है। तो ये भी एक तरीका है, तो आपको अगर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिए जाएँ इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में तो थोड़ा ध्यान रखना है, नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड मतलब प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला डेट इज N2O3, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड बोलता है तो NO2, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड तो N2O5, या फिर उसके ही नेम को ऐसे भी दे सकता था N2O3 अगर होता तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो आई होप ये ट्रिक्स आपको सही से समझ में आया होगा, और देखो इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में क्रिएट कर दिया है, जितने भी क्वेश्चन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से पूछे गए हैं वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं से उठाया जाएगा।
नाउ जाते जाते अगेन एज यूजुअल मैं आपको कुछ ज्ञान की बात दूंगा, तो और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको सीरियस भी लेना है। तो ज्ञान की बात नंबर वन में कि आप अगर NO की रिएक्शन N2O4 से कराएंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बट द टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट है 250 केल्विन। अगर मैं NO की रिएक्शन N2O4 से 250 केल्विन पे कराता हूँ तो क्या मिलेगा, दैट्स वेरी सिंपल। आप कैसे याद रखेंगे इस रिएक्शन को, NO में ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 और N2O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर बच गया, 3, तो आपको क्या कर देना है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बना देना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आप ध्यान से देखो तो एक जादू टाइप का हो गया कि ये एक कलरलेस गैस थी, बाय द वे ये भी एक कलरलेस गैस है, बट आपको यहाँ पे ब्लू कलर मिलेगा। तो अगर आपको पैसे कमाना हो तो आप बच्चों को बुला कर करके बोलेंगे कि ये देखो जादू, दो कलरलेस गैस को मिलाया और मिल गया ब्लू कलर। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो ब्लू कलर है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। ज्ञान की बात नंबर 2, दैट्स अगेन वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर आपने NO2 को कूल कर दिया, कूल करने से कोई भी चीज़ क्या आती है, क्लोज आती है, तो डैट मीन्स इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर करके N2O4 बना देंगे। और अगर मान लो इसको आपने हीट कर दिया तो फिर ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे भी एक जादू की बात है, वो कैसा है कि इसका कलर जो था आपका वो रेडिश ब्राउन था, ये रेडिश ब्राउन कलर का था आपका। रेडिश ब्राउन कलर की गैस को अगर आप कूल करोगे तो यू विल गेट कलरलेस गैस, तो यहाँ पे भी आपका एक जादू टाइप का हो रहा है। और अगर एक कलरलेस गैस को हीट करोगे तो यू विल गेट रेडिश ब्राउन कलर गैस, तो ये ध्यान रहे। ऐसा क्यों हुआ, तो NO2 आपको बताया ट्रिक में, NO2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिल कर करके ये डाइमराइज हो जाते हैं, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, डैट्स वाई यहाँ पे NO2 कलरफुल है, बट ध्यान रहे N2O4 कलरलेस है, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, बट NO2 पैरामैग्नेटिक वाला कलरफुल है और डायमैग्नेटिक वाला यहाँ पे कलरलेस है। ज्ञान की बात नंबर 3 जो है, डैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप जो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात कर रहे हो तो क्या ये ऐसे बना लेंगे हम, N2 और O2 की रिएक्शन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाएंगे। सपोज कोई भी ऑक्साइड में लिखता हूँ N2O3 या फिर पहले मैं लिखता हूँ NO एंड सो ऑन, क्या ये बन जाएगा, तो ध्यान दें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जनरली रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट ही नहीं करेंगे। उसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, ये तीन बॉन्ड को ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये जो रिएक्शन अगर आप करवाना भी चाहते हो तो आपको 2000 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा, जो कि हमारी पहुँच से बहुत बाहर भी है इतना टेम्परेचर को रीच करना। डैट्स वाई एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर ये इजीली रिएक्ट करते तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते, फिर वो वाटर से रिएक्ट कर करके एसिड बनाते, तो ऐसा संभव नहीं है। इसी वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम नाइट्रोजन को एज ए इनर्ट मीडियम भी बहुत जगह पे यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी वेरी वेरी लेस होती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कभी भी रिएक्ट नहीं करते रूम टेम्परेचर पे। नाउ लास्ट ज्ञान की बात में 4 नंबर कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जितने भी पढ़ाए हैं तो उसमें स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सबका बच्चे बना लेते हैं, मेजर प्रॉब्लम जो उसको फील होती है वो N2O3 में। आपको हमने जो ट्रिक दिया उससे अगर आप ध्यान से देखो कि इसमें NN बॉन्ड होगा या नहीं होगा ये पहचानना हो तो 2/3 डेट इज 0.67, तो डेफिनेटली वो 0.5 से ग्रेटर है तो NN बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड पहले क्रिएट करना है और 3 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन इसको देना है, एक ऑक्सीजन एक को, एक लोन पेयर से इसका ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कराना और इसका ऐसा रहेगा। कुछ बच्चे गलती से इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बना देते हैं जो कि अनस्टेबल है, इस टाइप से अगर आप बना दिए तो।
तो ध्यान देंगे N2O3 का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है। बाकी के स्ट्रक्चर में NN बॉन्ड होंगे या नहीं होंगे वो आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ मेरे ट्रिक से। तो अगर ये मेरा जो ट्रिक्स या ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस प्रयास को या मेरे इस ट्रिक्स को अदर बच्चों तक भी पहुंचाइए और उनको भी बताइए कि वास्तव में केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें मज़े से अगर पढ़ा जाए तो बहुत मज़े आएंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप 16 ग्रुप और 17 ग्रुप के बारे में बात करूंगा कि उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, रिड्यूसिंग करेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, इस टाइप के बहुत सारे ट्रेंड वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उसको कैसे आप करेंगे सिंपल मेरे ट्रिक से।